हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के चार्जरों के बारे में। दोस्तों, मोबाइल के चार्जर अगर आपकी चार्जिंग नहीं करता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ही देखिए। आपको मोबाइल कौन सा लेना है, चार्जर कौन सा लेना है, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे और आपको एक फास्ट चार्जर करने का तरीका आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं जो मोबाइल चार्जर है, कोई ऐसा तरीका बताइए मोबाइल की चार्जिंग बहुत फास्ट हो। और दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा चार्जर है और काफ़ी अच्छे से चार्जिंग होती है, आधे घंटे के अंदर फुल बैटरी की चार्जिंग हो जाती हैगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक की देखते रहना है, वीडियो को जरा सी भी स्किप नहीं करना है। अब दोस्तों, बात आती हैगी एनर्जी मीटर की। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर 6-in-1 मीटर है और हम सारे चार्जर आपको इससे चेक करा के दिखाएंगे और मोबाइल में हम लगा के दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये दो मोबाइल हैं, हम इसमें देखेंगे कितने वाट लेता है और इस मोबाइल में देखेंगे कितने वाट लेता है, तो आपको मोबाइल में भी फ़र्क दिख जाएगा। मतलब दोस्तों, अगर आपका मोबाइल में थोड़ी सी आईसी जो होती हैगी, आईसी का प्रोसेस थोड़ा सा कम है, तो आपको जो है चार्जिंग फास्ट नहीं करेगा और आप चाहे जितना अच्छा चार्जर लगा ले। तो यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास एनर्जी मीटर है, हम इससे सारी चीज़ें चेक करा के दिखाएंगे, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, आपको ये ना लगे कोई फेक वीडियो हैगी। अब दोस्तों, बात रही इस एनर्जी मीटर की, अगर चाहते हैं इस एनर्जी मीटर को परचेस करना तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आसानी से जाके परचेस कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले ये चार्जर को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो इस चार्जर का आउटपुट है 5 वोल्ट आपको देगा और इसका 0.2 एम्पियर है। दोस्तों, हम आपको एक एक चार्जर दिखाएंगे और चलिए हम याला चार्जर दिखा देते हैंगे और इसका जो है हम देख लेते हैंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 5 वोल्ट आपको ये भी आउटपुट देगा और इसका एम्पियर 0.1 एम्पियर रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा, अब हम चलिए आपको दूसरा भी दिखा देते हैंगे। यहाँ पे आप सही से देख लीजिए, देखिए 5 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए हम ब्लैक वाला चार्जर देख लेते हैंगे। तो ब्लैक वाले चार्जर में तो हमको सही से नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखते हैंगे, देखिए 5 वोल्ट आपको दिख रहा होगा आउटपुट और इसका जो है 0.1 एम्पियर इसका भी आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इस चार्जर की बात करेंगे, ये मोबाइल के साथ में चार्जर मिला था। देखिए ये जो मोबाइल है X2 रेडमी वालों का है और काफ़ी बढ़िया ये चार्जर है दोस्तों, और इससे बहुत फास्ट चार्जिंग होती है। और ये जो चार्जर आप देख रहे हैं अभी हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, काफ़ी बढ़िया है और हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे आप जो है इसी तरह का चार्जर लीजिए और मोबाइल भी अच्छा लीजिए। मोबाइल में भी दिक्कत हो सकती हैगी और चार्जर में भी दिक्कत हो सकती हैगी। दोस्तों, ये आधे घंटे में फुल चार्जिंग कर देता हैगा, आप ये खुद देख पा रहे हैं। हम आपको एक एक चार्जर लगा के दिखाएंगे कि आप वीडियो में पूरा लास्ट तक की देखते रहना है। दोस्तों, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक किया करें, क्योंकि आपको पता है मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इस चार्जर को लगाएंगे, इसको हम दोनों को देखेंगे और इसका केबल हम ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास दोनों मोबाइल के केबल हैं, तो चलिए हम दोनों मोबाइल में फिट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने मोबाइल में एक पहला वाला केबल लगा दिया है, अब हम इसको जो है दूसरा भी मोबाइल में केबल लगा देंगे। तो चलिए, अब दोस्तों देखिए, हमने इसमें भी केबल लगा दिया है, इसमें भी लगा दिया है, इसलिए दोस्तों इसका कनेक्टर जो है वो अलग है, इसका कनेक्टर ये अलग है। अब दोस्तों चलिए, हम यहाँ पे इसका पहले लगाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं USB इसकी हैगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपके घर पर कोई भी चार्जर लगा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी वाट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ना तो कोई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि मोबाइल का जो चार्जर लगा रहता है उसमें जो है बोर्ड में काफ़ी बिजली कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम जब ये USB लगाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए वाट और एम्पियर देखने को मिल जाएगा और इसका यहाँ पे पावर फैक्टर भी बढ़ जाएगा। देखिए आपके सामने दोस्तों, हम जो भी लगा रहे हैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, इसलिए कोई भी वीडियो फेक ना कहे।
देखिए यहाँ पे 74 इसकी परसेंट हो चुके हैं, मतलब चार्जिंग थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 वाट यहाँ पे ले रहा है और 0.06 एम्पियर रहेगा। आप देख पा रहे होंगे 10 वाट 6 एम्पियर और पावर फैक्टर इसका आधा है। अब दोस्तों वो बात करी जाए मोबाइल की, देखिए ये मोबाइल में दोनों में बहुत फ़र्क है, मतलब मोबाइल से भी होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं वीडियो को पूरा लास्ट तक ही देखते रहे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 वाट ले रहा है, ये मतलब जो इसकी चार्जिंग ऐसी होती है उसमें भी फ़र्क होता है। तो चलिए अब देखिए हम ये USB इसकी है कि इसमें लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 10 वाट है तो हिल गया है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने इसको हटाया है, अब जो ये USB है कि देखिए सब 0-0 हो गया है। अब हम इस मोबाइल में लगाएंगे, देखेंगे कितने वाट लेता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 55% हो चुके हैं चार्जिंग के। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 वाट ले रहा है। अब दोस्तों आप क्या कहेंगे, मतलब चार्जर में भी फ़र्क होता है और चार्जर में भी फ़र्क होता है और जो कनेक्टर मतलब चार्जिंग आईसी होती है इसमें भी फ़र्क होता है। मतलब दोस्तों इस मोबाइल की चार्जिंग आईसी काफ़ी बढ़िया है पोको X2 की। और देखिए यहाँ पे जब हमने लगाया था इस मोबाइल को चार्जिंग में, 10 वाट चार्जिंग ले रहा था, मतलब काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है। और जो हमने इस मोबाइल में लगाया है तो यहाँ पर देखिए 6 वाट दिखा रहा है और 0.4 एम्पीयर दिखा रहा है, मतलब ये चार्जिंग स्लो करेगा। दोस्तों इसकी जो चार्जिंग आईसी हैगी वो थोड़ी सी लो है और इसकी चार्जिंग आईसी हाई है। ये करेंगे ये जो चार्जर है, चार्जर में भी फ़र्क होता हैगा। अभी हम दोस्तों यही चार्जर देखिए इस मोबाइल में लगा के दिखाएंगे, तब आप वाट देख लीजिएगा। तो चलिए इस चार्जर की बात हो गई है, मतलब आप समझे चार्जर में भी फ़र्क होता है और मोबाइल की चार्जिंग आईसी में भी फ़र्क होता है। देखिए इसका काम ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें लगाएंगे, इसमें देखेंगे। तो चलिए हमने देखिए इसमें लगा दिया है, अब हम इस चार्जर को देखेंगे। तो इसमें तो हमको जो दिखा रहा था वो अच्छे वाट दिखा रहा था, 6 वाट थे। तो दोस्तों देखिए इसमें भी वही वाट दिखा रहा है, 6.8 वाट हैं और 0.04 एम्पियर रहेगा, मतलब ये दोनों चार्जर सेम वही है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले केबल निकालेंगे और हम इसका लगाएंगे केबल, याला लगा के देखेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 74 आपको चार्जिंग दिख रही होगी। अब देखिए ये चार्जर जो है इसमें कमज़ोर पड़ रहा है, ये मोबाइल पे देखिए इसमें जो है 10 दिखा रहा था वाट, इसमें 7 वाट दिखा रहा है और उसमें 10 के साथ 6 एम्पियर था, इसमें 5 एम्पियर है। मतलब दोस्तों जितने ज़्यादा वाट लेगा उतने अच्छा आपका चार्जर फास्ट चार्जिंग करेगा, ये चीज़ होता है। देखिए ये जो चार्जर है इसके आगे कमज़ोर पड़ा जा रहा है, देखा। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। और अब दोस्तों बात रही इस ब्लैक वाले चार्जर की, तो ये भी बोलते हैं 2 एम्पियर का है, काफ़ी बढ़िया फास्ट चार्जिंग करता है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जब हमने इसको लगाया है यहाँ पे कोई भी वाट इसने नहीं लिया है। अब ये दोस्तों ये USB है, ये इस मोबाइल की है, तो चलिए हम इसको पहले लगा के देखते हैंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 75 आपको चार्जिंग दिख रही होगी और अभी जो यहाँ पे आपको वाट नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है वाट आए, सही से लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जब हमने सही से लगाया है यहाँ पे आप वाट देख पा रहे होंगे, मतलब दोस्तों आप वाट देख रहे होंगे 5.9, मतलब ये भी 6 वाट का आपको देख रहा होगा, 6 वाट इसमें कंज्यूम कर रहा है और 0.04 एम्पियर यहाँ पे ले रहेगा। तो चलिए हम इसका केबल निकालते हैं और इसका केबल हम लगाते हैंगे। हम दोनों मोबाइल आपको चेक करा के दिखा रहे हैं कि कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों देखिए इस मोबाइल को हमने लगाया है, अब यहाँ पे हम वाट देखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो वाट है 6.2 वाट है, मतलब दोस्तों ये जो चार्जर है इसमें मैच नहीं कर रहा है सही से, तभी ये यहाँ पे वाट कम दिखा रहा है। अब देखिए इसमें जो हमने लगाया काफ़ी अच्छा इसमें वाट देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए इसको भी हम दोस्तों हटा देते हैं। ये दोस्तों 3 चार्जरों की बात हो गई है। अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट चार्जर की,
जो पोको X2 में ये चार्जर हमको मिला है बहुत फास्ट चार्जिंग करता हैगा, आप ये खुद देखेंगे। तो चलिए हम इसको लगाते हैं और देखेंगे मेरी बिजली कितनी कंज्यूम करता है। पहले हम लगा के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने चार्जर को लगाया है, यहाँ पे कोई भी बिजली कंज्यूम नहीं कर रहा है। देखिए 00 वाट आपको दिख रहे होंगे, 00 एम्पियर दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ही केबल लगा लेते हैं और लगा के देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका हमने केबल लगा लिया है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों वाट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर में वाट काफ़ी अच्छे से ये जो है ले लेगा। जैसे देखिए 9 वाट से 14 वाट आपको देखने को मिल रहे होंगे। मतलब दोस्तों देखा आपने, ये चार्जर में भी फ़र्क होता है और मोबाइल की चार्जिंग ऐसी है उसमें भी फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पे 18 वाट आपको देखने को मिल रहे होंगे और देखिए एम्पियर कितना बढ़ चुका है, 0.12 एम्पियर आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब दोस्तों जितने ज़्यादा वाट होंगे आपके चार्जिंग में और जितने ज़्यादा एम्पियर होंगे उतनी ही फास्ट ये चार्जिंग करेगा। देखिए काफ़ी तेज़ी से ये चार्जिंग 15-18 यहाँ पर रुक नहीं रहा, बहुत तेज़ी से ये चार्जिंग कर रहा है। अब चलिए दोस्तों हम इसका केबल निकालते हैं और निकालने के बाद हम ये केबल लगाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे, तो देखिए हमने रेडमी नोट 6 में लगाया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 5.7 की चार्जिंग हो चुकी है इसमें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5.5 आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब दोस्तों आपने देखा कि क्या फ़र्क हुआ। चलिए हम इसको हटा देते हैं। देखिए इसकी जो आईसी हैगी वो बहुत कमज़ोर है और इसकी चार्जिंग ऐसी वो काफ़ी अच्छी है। ये हम दोस्तों जब लगाया है आपने खुद देख लिया, सिर्फ 5 ही वाट ले रहा है। मतलब इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं ना। और दोस्तों ये जो मोबाइल है और ये इसका चार्जर है, काफ़ी चार्जिंग कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।